छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर दुर्ग कांग्रेस ने निकाली भरोसा यात्रा, जिसने शहर का भ्रमण करते हुए लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी की प्रतिमा में माल्यार्पण कर समाप्त हुई। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर को एक दिवसीय विधानसभा स्तरीय कांग्रेस भरोसा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के सभी लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। इसी कड़ी में दुर्ग में निकाली गई भरोसे की यात्रा में शामिल शहर विधायक अरुण वोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल, सभापति राजेश यादव, दुर्ग विधानसभा प्रभारी इरफान खान, अल्ताफ अहमद, अब्दुल गनी सहित अन्य पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित होकर गांधी जयंती पर निकाली गई भरोसा यात्रा पर महात्मा गांधी जी के द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख किया। इस दौरान शहर की गलियों का भ्रमण करते कांग्रेसियों ने प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल की सरकार पर भरोसा जताते हुए कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए कार्यों का लोगों के बीच अपना संबोधन भी दिया। कांग्रेस ने जो 5 सालों में गरीब के काम किए हैं। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने देश की आजादी के लिए धीरे धीरे बढ़ाते हैं। इसके साथ ही भरोसा यात्रा के दौरान दुर्ग के डिबरा पारा स्थित जय जवान जय किसान का नारा बुलंद करने वाले लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा में माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। इस दौरान उपस्थित सभी कांग्रेसियों ने कांग्रेस जिंदाबाद का नारा लगाते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर भरोसा जताते अपनी यात्रा आगे बढ़ाते महात्मा गांधी के प्रतिमा स्थल पर पहुंचे, जहां दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल सहित सभी कांग्रेसियों ने सच्ची श्रद्धांजलि देकर महात्मा गांधी को याद किया। इस अवसर पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, जय जवान जय किसान। आज गांधी जी की जयंती है, शास्त्री जी की जयंती है। आज पूरे विश्व में गांधी जी की जयंती बहुत ही धूमधाम से सब मना रहे हैं और उनके आदर्शों पे चलने का आज सब ये प्रण ले रहे हैं, क्योंकि जो अभी का जो समय है पूरा विश्व ये चाहता है कि सत्य और अहिंसा के मार्ग में हम सब चल के पूरे प्रदेश में, पूरे देश में और विश्व में एक शांति का वातावरण बने। आज गांधी जी की जयंती है। आज आपने देखा होगा कि G20 सम्मेलन में आए विश्व के सभी राजनेताओं ने राजघाट में जाके गांधी जी के समाधि स्थल में उनका दर्शन किया, तो ये दर्शाता है। और आज ही के दिन कांग्रेस ने भरोसे की यात्रा चालू की है। ये जो आज़ादी हम लोगों को मिली है, 1942 में अंग्रेज भारत छोड़ो का नारा गांधी जी दिए थे और 1947 में हम लोगों को आज़ादी मिली गांधी जी के नेतृत्व में। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री सहित जितने भी प्रधानमंत्री हुए सभी ने देश के हित में काम किया। और आज हम सब ये प्रण लेते हैं कि गांधी जी के बताए हुए आदर्शों पे चलें, शास्त्री जी के बताए हुए आदर्शों पे हम सब चलें। यही उनके प्रति हमारा सच्चा स्मरण होगा, उनके प्रति हमारी सच्ची आस्था होगी। मैं बताना चाहता हूँ कि जब से प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी है, जनता का एक भरोसा सरकार पे आया है। चाहे छत्तीसगढ़ की, चाहे हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कृति को, चाहे खेल कूद को, चाहे खान पान को और वेशभूषा को बढ़ाने का जो काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है,
और एक भरोसे की सरकार दी है। भूपेश है तो भरोसा है, भूपेश ही भरोसा है, इसी को लेके आज हम लोगों ने, पूरे कांग्रेस जनों ने, एक भरोसे की यात्रा निकाली गांधी जी की जयंती के अवसर पर। है कि प्रदेश के आह्वान में हमारे शहर में भी भरोसा यात्रा निकाली गई और आज 2 अक्टूबर में गांधी जयंती जैसे पद यात्रा करके देश के चारों तरफ पद यात्रा किया था उन्होंने और आज़ादी दिलाई थी। आज उनकी याद में हम 2 अक्टूबर को हमारे कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर हमने शहर शहर हर शहर में हर विधानसभा में भरोसा यात्रा का आह्वान किया था और ये भरोसा यात्रा निकाली गई। और बापू जी की जयंती में मैं सबको हार्दिक बधाई देता हूं और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आज 2 अक्टूबर के दिन हम पूरे कांग्रेस जन राजीव भवन में एकत्रित हुए, वहां से रैली निकाले, भरोसा रैली, और उसमें पूरे हम लोग जवाहर चौक से लेकर के गांधी चौक होते हुए फिर यहाँ दीपरापारा में शास्त्री चौक में पहुँच कर महात्मा गांधी जी के पास पहुँच कर दोनों को माल्यार्पण किए, क्योंकि आज दोनों हमारे महापुरुषों का जन्मदिवस है, शास्त्री जी का, महात्मा गांधी जी का। 2 अक्टूबर के दिन दोनों की जन्मतिथि है और हम लोगों की ये प्रयास है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इनके बारे में बताएं, क्योंकि महात्मा गांधी जी अहिंसा पुजारी थे और शास्त्री जी खेती किसान के पुजारी थे, और हम लोगों ने यही काम किया है, किसानों को भी महत्व दिया है, आम जनता को, दीन दुखी लोगों को भी महत्व दिया है। जब से हमारे दुर्ग शहर में, छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार आई है, उन्होंने कोशिश की है कि हमारे महापुरुषों की जो इच्छा थी कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा दिलाया जाए, दीन दुखियों को फायदा दिलाया जाए, तो जो बोलते हैं वो किए हैं। आज हम छत्तीसगढ़ में उनको बधाई देना चाहते हैं और धन्यवाद देना चाहते हैं कि आने वाले समय में हमारी जब सरकार बनेगी तो हम आम जनता को जो भी विकास के कार्य जो थोड़े बहुत रुके भी होंगे उन कार्यों के माध्यम से और विकास की धारा बहाएंगे। छत्तीसगढ़ प्रदेशवासियों को, देशवासियों को गांधी जयंती 2 अक्टूबर की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि हमको और आपको पता है, गांधी जी ने हमारे देश आज़ाद करने के लिए अपने प्राणों की आहुति तक दे डाली। गांधी जी का आदर्श सत्य अहिंसा के मार्ग में चलकर हमारे देश को आज़ाद कराया है, अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाया है, और आज भी वो समय आ गया है कि जो हमारे बीच में काले अंग्रेज है, जो गांधी जी को ना मानकर अन्य किसी को, जो देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, ऐसे लोगों के लिए प्रोत्साहित करते हैं और लोगों को भड़का रहे हैं, ऐसे लोग को हमको पहचानना है। मोहब्बत, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम सब भाई भाई मिलकर एक देश को आज़ाद किए थे और इस देश को हमको सोने की चिड़िया बनाना है, सबको मिलकर रहना है, और यह आदर्श और यह ज्ञान और इस चीज़ के बारे में गांधी जी ने समझाया हमें, और हम आज 2 अक्टूबर में के दिन फिर हम सभी प्रदेशवासी सब मिलकर यह संकल्प ले रहे हैं कि हमें सबको मिलजुल कर हमें देश को आगे बढ़ाना है और गांधी जी के आदर्शों पर चलना है। जी, ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।